तो नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक स्नैरियो रियल टाइम स्नैरियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ स्नैरियो का मतलब ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने रिक्वायरमेंट्स यानी जो गिवन रिक्वायरमेंट्स हैं वहीं से आपने एंटिटीज को ड्राइव करना है तो मैं आपके सामने कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं प्रेजेंट करता हूँ और ये रियल टाइम स्टेटमेंट्स हैं मतलब ये कोई फेक आउट नहीं है यानी ये कोई ख्यालाती रिक्वायरमेंट्स नहीं है एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं फिर यहाँ से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एंटिटीज दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग उसके बाद हम एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जान बूझ के इंटेंशनली मैंने सनेैरियो में एट्रीब्यूट्स मैंशन नहीं किए बिकॉज अगर वो मैंशन में कर देता तो वह बहुत आसान बहुत सिंपल हो जाता लेकिन हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड दैट वुड बी दैट वुड बी वन सोल्यूशन तो उसको आपने याद नहीं करना यानी रट्टा नहीं लगाने बैठे ना उसको आपने हम वी विल डिस्कस इट हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं ये सजेस्ट करूंगा आप खुद से कुछ एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करें दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज टू डू सो एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है एट्रीब्यूट्स को करना है रिलेशनशिप्स को यानी जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो आर वाला कॉम्पोनेंट है रिलेशनशिप वाला वो हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं करना सो so, अब हम देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या है नाउ so, स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक बार इस सिनेरियो को रीड आउट कर देता हूं दैट इज द बेस्ट वे

और उन फ्लोर्स के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं फ्लोर कैन हैव जीरो और नो अपार्टमेंट यानी ऐसा फ्लोर भी हो सकता है कि जिसमें अपार्टमेंट मौजूद ना हो इसका लाइकलीहुड भी है कि एक नया फ्लोर अगर क्रिएट हो रहा है तो वो फ्लोर है लेकिन अपार्टमेंट अभी क्रिएट नहीं हुआ ईच अपार्टमेंट कैन बी रेंटेड आउट टू एट मोस्ट वन कस्टमर बट कस्टमर कैन रेंट आउट मल्टीपल अपार्टमेंट्स फ्रॉम सेम बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट कैन बी अवेलेबल ऑन मल्टीपल फ्लोर और सेम आसान लफ्जों में एक अपार्टमेंट एक वक्त में एक ही कस्टमर रेंट आउट कर सकता है जाहिर सी बात है लेकिन एक कस्टमर एक से ज्यादा अपार्टमेंट रेंट कर सकता है और एक अपार्टमेंट जो है वो एक बिल्डिंग का पार्ट भी हो सकता है मल्टीपल बिल्डिंग का पार्ट भी हो सकता है जो कस्टमर रेंट आउट करेगा इसका मतलब कतन ये नहीं है कि एक अपार्टमेंट दो बिल्डिंग का पार्ट है इसका मतलब सिंपल अल्फाज में यह है कि कस्टमर यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर कस्टमर हूं तो मैं दो बिल्डिंग के दो डिफरेंट अपार्टमेंट्स रेंट आउट मैं कर सकता हूं एट द एंड ऑफ द मंथ अ रिसीप इज जनरेटेड अगेंस्ट विच रेंट इज डिपॉजिटेड आसान लफ्जों में जब महीना खत्म होता है तो जो कस्टमर है उसको कुछ बिल रिसीव होता है उस बिल के ऊपर अपार्टमेंट की डिटेल लिखी होती है कि अपार्टमेंट नंबर क्या है फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट का रेंट कितना है एंड सो ऑन तो ये हमारा एक बेसिक सिनेरियो है हमने इस सिनेरियो के बियॉन्ड नहीं जाना अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आप सिनेरियो में से नाउन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें एट्टी परसेंट एंटिटीज वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें यह पता लग रहा है कि देर विल बी समिंग रिलेटेड टू अपार्टमेंट उसमें कुछ ना कुछ कस्टमर होंगे अब अब इस सिनेरियो में बिल्डिंग को एंटिटी बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बना देंगे तो इट इज गुड रीजन बीइंग कि बिल्डिंग का ही सिनेरियो है यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही मौजूद है उसके बाद देर आर मल्टीपल फ्लोर यानी अब आपने वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जिसके बारे में या जिनके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं यानी अपार्टमेंट को आप एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं बिल्डिंग को एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं जो हम लोग करेंगे अभी कस्टमर्स को आप एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बाद हम फ्लोर्स को कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे और कोई कॉमन नाउन या नाउन लोकेशन वगैरह नजर नहीं आएगी उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच ऑबियसली आई विल गो दैट वुड बी रिसीप तो एक दो अपार्टमेंट बिल्डिंग कस्टमर फ्लोर्स एंड रिसीप ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन आपने कतअ मेरे सोल्यूशन पे नहीं जाना आपने खुद से चीज आइडेंटिफाई करनी है एंड आई वुड हाइली हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग खुद से करें सोल्यूशन जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं वो फाइनल नहीं है दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन आपको अपना सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है अदरवाइज इट विल किल द होल पर्पज यानी अगर आप याद करने बैठ जाएंगे तो उससे नहीं समझ आएगी चीज चीज को आप अंडरस्टैंड करने की आपने कोशिश करनी है याद करने की कतन कोशिश नहीं करनी क्योंकि हो सकता है कल को स्नैरियो डिफरेंट हो जाए तो अगर आपने आपने रट्टा लगाया होगा इट विल नॉट हेल्प यू एक्चुअली सो वन अ पॉसिबल सोल्यूशन वन पॉसिबल सोल्यूशन जो कि हो सकता है वो ये है फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्डिंग की एंटिटी आइडेंटिफाई की अब मैंने फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का नेम उसका एड्रेस उसका फोन नंबर यानी उसके तीन एट्रीब्यूट हैं जो बिल्डिंग को डिफाइन कर रहे हैं कीप दिस थिंग इन माइंड ये सिर्फ सैंपल एट्रीब्यूट हैं देर कैन बी अलॉट मोर यानी आप बिल्डिंग को यहां पे आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं एन टी एन नंबर भी ऐड कर सकते हैं बेतहाशा आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं ऑनर का नाम ऐड कर सकते हैं तो जस्ट ब्रेन स्ट्रॉम इट डिस्कस करें ब्रेन स्ट्रॉम करें अपार्टमेंट्स है अपार्टमेंट की कोई ना कोई आई डी होगी जस्ट लाइक योर स्टूडेंट आई डी उसका कोई ना कोई कवर्ड एरिया होगा उसका कोई ना कोई स्टेटस होगा यानी वो अभी रेंट के लिए अवेलेबल है या नहीं है इसके अलावा भी बड़े इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट हो सकते हैं यानी ये अपार्टमेंट क्या दो महीने के लिए अगर रेंट हो तो उसका रेंट क्या कम हो जाएगा या नहीं होगा रेंट का एट्रीब्यूट वो भी आ सकता है सो द होल पॉइंट इज के इसके अंदर मैंने कुछ लूप होल जानबूझ के छोड़े हैं ताकि जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक ओवर इट उसके बाद अ कस्टमर है कस्टमर की आई है नाम है उसका सी एन आई सी है कॉन्टैक्ट नंबर है फॉर एग्जाम्पल जितने एट्रीब्यूट मैंने लिखे हैं अब हर एक में तीन तीन एट्रीब्यूट खुद से ऐड करें फ्लोर है फ्लोर नंबर है नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं रिसीप्ट है यानी रिसीव के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी अमूमन कौन से कस्टमर को यानी उसका रेंट उसकी आईडी अपार्टमेंट नंबर डेट ऑफ रिसीप अमाउंट यहां पे विजिबली मैंने जानबूझ के रिसीव आईडी छोड़ दिया है तो आप यहां पे रिसीव आईडी ऐड कर सकते हैं इसके अलावा बेतहाशा इस एंटिटी के जो रिसीप की एंटिटी है इसके बेतहाशा एट्रीब्यूट हो सकते हैं यानी इस रिसीद को पे करने की डेडलाइन क्या है कौन से बैंक में पे कर सकते हैं यानी रसीद से मुराद है जो आपको फॉर एग्जाम्पल अपना फी चलान मिलता है बिल्कुल वैसे ही कस्टमर को रेंट का चलान मिलता है आ, महीने के आखिर में तो ये बेसिकली हमारी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटीज पे आप लोग मोरलेस यही होंगी दिस इज माय ओपिनियन आपका ओपिनियन डिफर करना चाहिए एट्रीब्यूट तीन तीन चार चार खुद से एड करें ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग आपका चलना शुरू हो क्योंकि यही एट्रीब्यूट आगे जाके जब हम लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर हम कॉन्फिगर करेंगे तो ये एट्रीब्यूट आपको एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे वी विल बी प्लेंग अराउंडब्यूट द एंड ऑफ द डे सो जस्ट ट्राई इट आउट यू विल एन्जॉय इट